सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A21s डिवाइस के बारे में और इसके फ्यूचर अपडेट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे मिड रेंज डिवाइस हैं सैमसंग के, उनके अंदर आपको वन यूआई 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और अप्रैल मंथ के अंदर बहुत सारे सैमसंग के ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको वन यूआई 3.0 और एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है, जो कि ऑफिशियल अपडेट है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप लोग एक सैमसंग गैलेक्सी A21s डिवाइस के यूजर हैं, सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के A21s डिवाइस के बारे में। आप लोगों को पता है, अप्रैल के अंदर चार ऐसे सैमसंग के डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको वन यूआई 3.0 और एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर मिलने वाला है। सो वो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी A31, सैमसंग गैलेक्सी A30, गैलेक्सी M40 और सैमसंग गैलेक्सी M11 और सैमसंग गैलेक्सी A12 है। सो दोस्तों, इस डिवाइस की लिस्ट के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 में जो डिवाइस है इसका नेम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको वन यूआई 3.1 का जो अपडेट है वो यहाँ पर बहुत ही पहले अप्रैल के मंथ में मिलने वाला है। और इन सारे डिवाइसों को जैसे अपडेट मिलेगा, उनके बाद में आपको सैमसंग गैलेक्सी A21s जो डिवाइस है इसके अंदर अपडेट है जो कि यहाँ पे रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके एग्जैक्ट डेट के बारे में, सो मई का जो मंथ है, मई के मंथ के अंदर आपको जो अपडेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम बात करें मई में कौन सी डेट को मिलने वाला है, सो 15 मई के आसपास आपको ये जो अपडेट है वन यूआई 3.1 का वो यहाँ पर कंफर्मली देखने को मिलने वाला है। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि डायरेक्ट यहाँ पे वन यूआई 3.1 का अपडेट मिलेगा या फिर उससे पहले वन यूआई 3.0 का अपडेट मिलेगा और बाद में वन यूआई 3.1 का अपडेट मिलेगा। सो दोस्तों, बात यहाँ पे कंफर्म है, सैमसंग ने भी कंफर्म किया कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट वन यूआई 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग ऐसा नहीं चाहेगा। पहले इसके अंदर आपको वन यूआई 3.0 और उसके बाद में वन यूआई 3.1 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिले। सो दोस्तों, जब भी ये जो अपडेट है जो कि यहाँ पे रिलीज होगा और कोई नई न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल जाएगी सैमसंग की ओर से, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को वन यूआई 3.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 के फीचर्स के बारे में जानना है, सो आप लोग ऊपर आई बटन प्रेस करके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। कंप्लीट मैंने यहाँ पे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।